जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की पार्टी पर फायरिंग की। एक जवान शहीद, 3 जख्मी, एक नागरिक की भी जान गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले के पीछे भारत जिम्मेदार। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 507 की मौत हुई और 18,653 नए मामले सामने आए। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 585,493 है, जिसमें 220,114 सक्रिय मामले और 347,979 ठीक डिस्चार्ज विस्थापित मामले हैं। अब तक 17,400 लोगों की जान जा चुकी है। पतंजलि सीईओ बोले, हमने कभी नहीं कहा कि कोरोनिल से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है। डॉक्टर दिवस के मौके पर भारतीय नर्सों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मेरा मानना है कि हमें समस्या का सामना करना होगा, इसलिए हमें समस्या को स्वीकारना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए उत्तराखंड में 4 अस्पतालों में आईसीयू की स्थापना के लिए करीब 1267 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा, कोरोना का उपचार ही बचाव है, अगर हम ऐसा करें तो केवल कोरोना ही नहीं बल्कि अन्य बीमारी से भी बचा जा सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर कोविड-19 प्रबंधन टीम 11 के साथ बैठक की। प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से आए बदमाशों ने 3 को गोली मारकर किया घायल, एक प्रयागराज रेफर, तलाश में जुटी पुलिस। लखनऊ में चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में कोरोना की दस्तक, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 15 नए मामले मिले, हेड कांस्टेबल समेत 2 की मौत। यूपी में बारिश का अलर्ट, पूरे राज्य में सक्रिय हुआ मॉनसून, मौसम विभाग ने कहा 2 जुलाई तक पूर्वी क्षेत्र में बारिश के आसार। भाजपा नेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को मिली राहत, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को किया रद्द। अंबेडकर नगर में बहुचर्चित धर्मेंद्र वर्मा हत्याकांड के एक फरार आरोपी को पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में दबंगों ने महिलाओं पर जमकर लाठियां बरसाई, घटना के पीछे जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित मिले, जिले में कुल पॉजिटिव की संख्या 233 पहुंच गई है। बाराबंकी में खेत में डीएम, एसपी और डिप्टी कमिश्नर ने महिलाओं के साथ धान की रोपाई कर उनका हौसला बढ़ाया। दूसरे विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की सफलता के लिए बाराबंकी के डीएम ने की समीक्षा बैठक, दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।